और कभी कभी वीडियो भी बनाती थी। उसको ब्लॉगर बनने का बहुत शौक था, तो ऐसे वीडियोस भी बनाती थी, बचपन से बनाती थी। अंकल आइसक्रीम दो, अंकल पानी पूरी खाना है, अंकल गन्ना जूस पीना है। मैं खिलाता था, नारियल पानी तो उसका फेवरेट था। मेरे पास आया तो नारियल पानी नहीं पिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये वंशिता है, उम्र मात्र 15 साल। जब किसी को पता भी नहीं होता कि वो क्या है, कैसी है, एक हंसती खेलती सी जिंदगी होती है। ना दुनिया की समझ, ना परवाह, नन्ही सी आंखों में बस कुछ है तो बड़े बड़े सपने, और बस ये कि बड़ी होकर एक ब्लॉगर बनूंगी, पूरी दुनिया को अपने कैमरे में कैद करूंगी, सब चीज़ को अपनी नज़रों से देखूंगी, अपनी कलमों पे उतारूंगी, अपने कैमरे में कैद करूंगी, पूरी दुनिया घूमूंगी, ब्लॉगिंग करूंगी। यही सपना था वंशिता का। Hi guys, my name is Vanshita and he is my father. Hi. What is your name? Kanela Rathod. Your father's name? Lavanda Rathod. Oh. And my mom is there. She is cooking burger for me, my dad and my elder sister. Elder na mummy? Elder sister. So, tomorrow is Mahashivratri. So, mommy and my dad is falling the sink. Not falling. Not falling. See, not. You can see it's not. चेहरे पर हंसी चुलबुली सी वंशिता, लेकिन अगर नब्ज पकड़ कर अभिनय करने लगे तो आप भी चौंक जाएंगे। देखते हुए आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि अरे 15 साल की लड़की मामा शकुनी और दुर्योधन की इतना अच्छा नकल कैसे कर सकती है। रामाश्री, मुझे पाव बारे की आवश्यकता है। जरूर भांजे, जरूर। खैर, वंशिता का तो काम ही था कि अपने कामों से लोगों को आश्चर्य कर देना, सबको चौंका देती थी, और अंत में भी बिल्कुल ऐसा ही कर गई कि जब लोगों ने उसे देखा तो सन्न रह गए। जब अंधेरी की वंशिता की कटी हुई लाश नायगांव स्टेशन पर एक बैग में मिली, सबके चेहरे पर मायूसी है। समझ नहीं आ रहा कि जो हुआ है वो सच में हुआ है या फिर किसी का बुरा सपना है। लेकिन ये बुरा सपना नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खौफनाक, दर्दनाक सच है। दरअसल वंशिता अपने स्कूल के लिए घर से निकली थी। घर से निकली तो स्कूल के लिए, लेकिन लौटकर फिर घर नहीं आई। माँ की आत्मा अभी भी तड़प रही है। बेटी की याद में उसकी तस्वीर के साथ अब दिन कट रहे हैं। बहन की बस एक ही फरियाद है कि जिसने भी मेरी गुड़िया को तड़पाया है वो भी बहुत तड़पे, और भगवान से यही दुआ कर रही है कि जैसा मेरी बहन के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। जो हुआ है मेरी बहन के साथ वो बस किसी और के साथ ना हो। हर एक लड़की को वो समझना चाहिए, जो भी है आप, कुछ भी आप किसी भी चीज़ से गुजर रहे हो वो अपने माँ बाप को बताओ। आप आज वो गई है 5 दिन से, कुछ पता नहीं उसके क्रिमिनल्स कहाँ पे हैं। हमें बस चाहिए वो जल्द से जल्द मिल जाए और उनको बहुत गंदी सज़ा मिले। जिस तरह से उसने मेरी बहन को तड़पाया है वो भी वैसे ही तड़पना चाहिए। तो बाप बस इसी उम्मीद में है कि मेरी बेटी को इंसाफ दे दे। पिता की आत्मा कचोट रही है, घुट रही है, रो रहा है एक पिता कि प्रशासन उसकी फूल सी बेटी को न्याय दे। तो वाले पुलिस वाले जो स्टेशन वाले साहब लोग हैं ना, उन लोग को हम लोग को सहयोग किया है, लेकिन मेरे निवेदन है क्राइम ब्रांच से जल्द उन्हें ढूंढे, हमें इंसाफ मिले। बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। हाँ, सही बात है, आज जो मुझे हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकते हैं।
दरअसल मामला बीते शुक्रवार का है, जब अंधेरी की 15 वर्षीय स्कूली छात्रा का शव शुक्रवार को नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक बैग में कंबल से लिपटा हुआ मिलता है। मृतक छात्रा की पहचान वंशिता कन्हैया लाल राठौर के रूप में हुई है। छात्रा गुरुवार को दोपहर से अपने अंधेरी के घर से लापता थी। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर लिया और हत्यारे का पता लगाने की अभी भी पुलिस कोशिश कर रही है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि उसे नायगांव स्टेशन कैसे ले जाया गया, बच्ची खुद गई या फिर जबरदस्ती ले जाया गया। क्या हुआ था उस दिन, कौन सी काली घटा छाई थी कि बेचारी मासूम के साथ इतना बड़ा घटना हो गया। बैग में एक तौलिया और कुछ कपड़े थे, साथ ही अंधेरी के एक स्कूल की यूनिफॉर्म भी थी। अंधेरी पुलिस को फोन किया गया और लड़की की पहचान की गई। अंधेरी थाने के अधिकारियों ने बताया कि वंशिता गुरुवार सुबह अपने स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। उसके माता पिता ने इलाके की तलाशी लेने और उसका पता लगाने में विफल रहने के बाद उसके लापता होने की सूचना पुलिस को दी। खैर, पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और इसमें अपहरण का मामला दर्ज किया था पुलिस ने, क्योंकि लापता छात्रा नाबालिग थी। अभी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि छात्रा को उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया गया था या किसी के साथ जाने को तैयार थी। पुलिस को अभी तक स्कूली छात्रा को मारने के लिए इस्तेमाल हुए हथियार का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस अब अंधेरी से नायगांव स्टेशन तक सभी रेलवे स्टेशनों पर लगे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगाल रही है और आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वे मृतक लड़की के घर और स्कूल के आसपास के इलाके की CCTV रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि छात्रा कैसे लापता हो गई, कैसे मासूम की जान चली गई, कौन था, क्यों किया ऐसा। इन सभी मामलों पर अभी भी जांच जारी है। अभी भी एक बच्ची की मौत का मामला जांच का विषय बना हुआ है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।